को छूने का बहाना था ये? हाँ एक बहाना था मेरे अंदर का मौसम सुहाना था, मैंने चेंज कर लिया ना, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, एंड टाइम जरा सा चेंज, मैं ऐसे ही एंड टाइम पे बच जाता हूँ उसको छू के निकल जाता हूँ। नरम जौहर आते ही डायरेक्ट हो गए हो, प्लीज मेरे लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 बनाओ ना। नो 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 इम्पोर्टेंट कलोपत्रा, नो नो, मैंने पहले भी ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 बनाई थी, पिट गई थी, बहुत लॉस हुआ था मुझे, नो बार। वो इसलिए पिटी थी फिल्म क्योंकि उसमें मुझे कास्ट नहीं किया था। आई एम सॉरी, तुम स्टूडेंट लगती जरूर हो लेकिन स्लाइक पढ़ाई वाले स्कूल की। वैसे भी अगर मेरी फिल्म में काम करना है ना तो सबसे पहले तुम्हें ना अपने मम्मी पापा को किसी फिल्म में काम कराओ। क्यों? क्योंकि मैं हूं नेपोटिज्म का फ्लैग बेरर। ओहो, अरे नरम जौहर साहब, ये नेपोटिज्म का फ्लैग तो आपने ओन ही कर लिया, तो इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है? वैसे भी बट तुम्हें पता है कि एक्टर्स के बच्चे ना वेल ग्रूम्ड होते हैं, हाँ। उनके ऊपर जरा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सब एक्टर के बच्चे हिट भी नहीं होते, ये अलग डिबेट है। बट ओ माय गॉड मोहिब, आप, मैंने सारे जानते हैं बलाल लशारी की मौला जट देखी है, लेकिन मैंने छुप छुपा के ना तुम्हारी इशरत मेड इन चाइना भी देखी है। उसमें छुप के देखने का कुछ भी नहीं था। मैंने छुप के देखी है। मैंने कहा कुछ देखते हुए मुझे ना देख ले। तो फिर आपको क्या पसंद आया इशरत मेड इन चाइना में? एक्शन सीक्वेंस। ओहो, हाँ, उसमें ना मुझे HSY ने बहुत ज्यादा सरप्राइज किया। yes. मेरा तो दिल करता है कि HSY को अपनी फिल्म में काम करवाऊं, लेकिन उसके फूड बजट से बहुत डर लगता है। मेरा ख्याल था आप शायद कहेंगे कि मोहिब मिर्जा के शर्टलेस फाइट सीन मुझे बहुत पसंद आया, बट जो तुम ओपन कर देते हो ना इससे बहुत शर्मिंदगी होती है। वैसे आप उसकी बात है, ये HSY के फूड बजट वाली जो रूमर है ये असल है या ये एग्जैजरेट कर रहे हैं? नहीं नहीं एग्जैजरेट हो रही है, ऐसा कोई ऐसा कोई सीन नहीं है। वैसे बट मुझे एक बात की समझ नहीं आई। अच्छा, कि देखो ना HSY बिल्कुल मेरी तरह नरम आदमी है, तो विलन कैसे कर लेता है? हालांकि हमारे अंदर तो विलन वाली कोई ऐसी बात भी नहीं है, हम तो विलन के विक्टिम ही होते हैं ना। बिल्कुल, आप तो वही होते हैं। बचाओ, उठा लो मुझे। बच्ची जी, HSY से विलन का करेक्टर करवाना ऐसे ही है जैसे अलमास बोबी से टर्मिनेटर करवाना। ट्रस्ट मी, आई विल बी बैक। बेटा अब HSY आएगा, वो आगे पूछेगा HSY।